लगता है शवासन करते करते सच में सो गए। तेरे बाबा शवासन करते करते सच में सो गए। पुटोली पुटोली। हाँ मजा आएगा। मैं सोया नहीं हूँ। और मिसेस माधवी, जरा आप पत्नीगिरी बंद करेंगी प्लीज। पत्नीगिरी कहते चल। और नहीं तो क्या, मौका मिलते ही पति से मजाक करना शुरू। तो पति से मजाक करना तो पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार, नहीं नहीं शादी सिद्ध अधिकारी होता है नहीं का। वैसे आप सच में योग कर रहे थे या सो गए थे? खर संगा। माधवी मैं योगासन ही कर रहा था, शवासन ही कर रहा था, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया आके फोटो लो करके। सॉरी काय झालं, मुझे ऐसा लगा कि आप सच में सो गए हैं, इसलिए मैंने सोनू को बुलाया और उसको कहा कि फोटो ले ले। बाबा कहीं आप सच में सो तो नहीं गए थे? झाला आई की संगत का असर हो गया ना तुम पे भी, तुम ही मजाक कर रही हो ना। अरे सोनू मैं सो नहीं रहा था, योगा कर रहा था, शवासन में आंखें बंद करके मन को शांत कर रहा था, ध्यान में चला गया था मैं। ऐसा नहीं कर रहा, अकेले अकेले चले गए, हमें नहीं लेके गया। ए देवा, ये क्या गलती हो गई मेरे से, मैं अकेला चला गया ध्यान में, परिवार को लेके नहीं गया। नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ अब मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। हाँ चल आ जाओ, तुम दोनों मेरे साथ अभी ध्यान में चलो। हाँ या अभी? हाँ तो और कभी, चलो चलो फटाफट। देखो क्या करना होता है, ऐसे पहले बैठना होता है, फिर आराम से ऐसे लेटना होता है, फिर धीरे धीरे आंखें बंद करनी है, और मुंह मुंह भी बंद ही रखना होता है माधवी। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ना, इससे मेरा मुंह खुला है, अभी शांति से सुनो, बीच बीच में मत बोलो। नहीं सॉरी। योग करने से पहले अपने सारे विचार बंद कर दो, अपने आसन पर पूरा ध्यान दो। योग करने से मन शांत होता है, दिन अच्छा जाता है, नींद अच्छी आती है, सपने भी अच्छे आते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ती है और गुस्सा कम हो जाता है। चलो आ जाओ, सोनू तुम इधर आओ, माधवी तुम इधर आओ। नहीं अभी नहीं। क्यों, अभी तुमने बोला था कि अकेले चले गए, असर नहीं करे, माता का आ जाओ ना। बाबा हम कल सुबह जल्दी उठ के आपके साथ योग करेंगे। अच्छा आइडिया है, कल सुबह करते हैं हम लोग योग, अभी किचन का योग है ना। आप कीजिए ना, आप इतना मस्त कर रहे थे ना, मस्त लग रहा था, आप कीजिए। अभी शांति से मुझे योग करने दो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं अपने मन को शांत रखना चाहता हूँ। अच्छा थैंक यू। ना किसी से लेना देना, ये हटके टपुस देना। ना किसी से लेना देना, ये हटके टपुस देना। ये हटके टपुस देना। ना किसी से ये कहना, क्योंकि सबको ये पता है, सबको ये पता है, अपनी टपुस देना। ये अपनी टपुस देना। टपुसना है शानदार, जानदार, ईमानदार, जोरदार, मजदार, पहरेदार, रविवार सोमवार, दिलदार, चमकदार, अपनी टपुस देना है, ये अपनी टपुस देना। बता तुम लोगों ने जो गाना गाया ना अभी, उसमें जो सुर था ना, सुर वो ऊपर नीचे पूरा बिखरा पड़ा हुआ, गाने में मस्ती ज्यादा थी, और जो अंदाज था ना गाने का, वो सामने वाले को परेशान करने वाला, अगर ज्यादा गाते ना तो सिरदर्द और बढ़ सकता था, इसलिए आपको गाने के मैं 10 में से 3 मार्क्स दूंगा। हाँ और 3 मार्क्स भी इसलिए क्योंकि आपका गाना जल्दी खत्म हो गया। थैंक यू संगीत गुरु भिड़े महाराज श्री। माधवी आंटी आप बताइए, आपको टप्पू सेना का गाना कैसा लगा? अरे मस्त, कमालदार, मजेदार, बहारदार एकदम, मेरी तरफ से 10 में से 10 मार्क आपको। थैंक यू माधवी आंटी, यू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ म्यूजिक। थैंक यू। सुनो तू बता, तुझे कैसा लगा गाना? हाँ मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए सुपरस्टार है, तो 10 out of 10, और ये गाना सुनकर मैं बहुत खुश हुई, तो 10 extra bonus mark।
वोट अपील कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपको अगर टप्पू सेना का सॉन्ग पसंद आया हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रीन ना फ्लैट होती है वहाँ पे फैट है फैट। अभी आपके संगीत का सफर यहीं पे समाप्त होता है, क्या मैं जान सकता हूँ सुबह सुबह यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। अरे तो बोलोगे तो जानूंगा ना भाई, बोलो तो सही। कुछ भी बताने से पहले हमारे आदरणीय और सम्मानीय भिड़े परिवार को हम टप्पू सेना की तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भिड़े अंकल, आप शायद योग कर रहे थे तो हम लोग ने आपको डिस्टर्ब किया, तो आप योग करिए, हम लोग बाद में। हाँ हाँ, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम लोग 2-3 घंटे बाद आते हैं। चलो फ्रेंड्स। ए रुको रुको रुको, अभी डिस्टर्ब कर ही दिया है ना, तो पूरा डिस्टर्ब करो, बाद में आने की जरूरत नहीं है। फिर से बताओ किस लिए आए हो, जो कहना है अभी कहो। करेक्ट, वैसे भी पापा कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अभी नहीं तो कभी नहीं। राइट मिड अंकल। ओए मीडियम सोड़ी, राइट लेफ्ट को छोड़ो, जो काम की बात करने आए वो काम की बात करो। मीड अंकल, हम कहाँ काम करते हैं? हम तो स्टूडेंट्स हैं ना भिड़े अंकल, पढ़ाई करते हैं। देखा माधुरी, देखा। हाँ, मजाक कर रहे हैं, है ना? भिड़े अंकल, आप ही कहते हो ना, हंसी मजाक से मन प्रफुल्लित रहता है। और मन प्रफुल्लित हो तो मन शांत रहता है। मजाक किए बगैर भी मेरा मन प्रफुल्लित और शांत रहता है, कर लो। और वैसे भी मैं तुम लोग का दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारा सर हूँ सर, इसलिए मेरे साथ मजाक नहीं है। टप्पू, भिड़े अंकल कम सर से बात कर ले। तो भिड़े अंकल कम सर। अरे बाबा, बास होगी ना भी नौटंकी, काम की बात करो ना। तो भिड़े अंकल, हम आपसे परमिशन लेने आए। कैसी परमिशन? आज हमें क्लब हाउस चाहिए। क्लब हाउस क्यों? क्योंकि शाम को टप्पू सेना ने क्लब हाउस में एक फंक्शन अरेंज किया, इसलिए। अरे वाह, तैयार हो। अरे तैयार कैसे होंगे, पहले पता तो होना चाहिए ना कि फंक्शन क्या है। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। तो पूछिए ना जल्दी से, काय फंक्शन है रे? हाँ माधवी आंटी, एक मिनट, क्या फंक्शन क्या है? तो आज शाम को टप्पू सेना की ओर से एक सरप्राइज है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता। सॉरी। व्हाट इज दिस टप्पू, मैं टप्पू सेना की मेंबर हूं और तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज नहीं बताया। वेरी बैड, तुम चारों ने मेरे बिना सरप्राइज प्लान कैसे किया? अरे दिस इज चीटिंग, क्या तुम सब मुझे टप्पू सेना के मेंबर नहीं मानते हो? आज तुम चारों ने मुझे बहुत हर्ट किया है। अरे सोनू को पता नहीं है सरप्राइज क्या, मतलब सोनू टप्पू सेना की मेंबर, उसी को पता नहीं। भिड़े अंकल, सोनू, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि हमने तुझे सरप्राइज के बारे में नहीं बताया, और तू तो टप्पू सेना के लिए बहुत ही स्पेशल है सोनू। अरे तू तो टप्पू सेना की सबसे क्यूट एंड लवली मेंबर है, और तू टप्पू सेना से कभी अलग हो ही नहीं सकती। सोनू तुझे पता है हमने तुझे इस सरप्राइज के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सरप्राइज तेरे लिए भी है। हाँ। And you know what, सोनू? ये फंक्शन तेरे बिना अधूरा है। समझी क्यूट एंड लवली सोनू? थैंक यू सो मच टप्पू। चान, ये फ्रेंडशिप। अच्छा मीका मंडे टप्पू, ये जो फंक्शन है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है या हम लोगों के लिए भी है? नहीं माधुरी आंटी, ये फंक्शन आपके लिए है, भिड़े अंकल के लिए है, वो सोनू के साथ साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए है। आपको 8:30 बजे मैंने वो सुरेखा ने दिया हुआ ड्रेस है ना, वो पहनूंगी। मैं तो राहत देख ही रही थी कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिल गया टप्पू सेना की वजह से। थैंक यू सो मच टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। काय थैंक यू, काय वेलकम, मैंने अभी तक परमिशन नहीं दी है क्लब हाउस के लिए। अभी दे दोगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि सरप्राइज क्या है, फंक्शन क्या है, मैं परमिशन नहीं देने वाला। सॉरी भिड़े अंकल, ये सरप्राइज है, नहीं बता सकते। हाँ तो सॉरी गोया, मैं भी परमिशन नहीं दे सकता। सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन आपको परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी है। और ये रहा लेटर,
किसका लेटर है ये? कमिश्नर ऑफ पुलिस का। नहीं है, नहीं है। गोकुलम सोसाइटी के कमिटी मेंबर का? अय्यर अंकल और पोपट अंकल ने दोनों ने ये लेटर पे साइन देके हमें परमिशन दी है कि हम क्लब हाउस में ये फंक्शन कर सके। हाँ, और उन्होंने पूछा भी नहीं कि सरप्राइज क्या है। लेकिन मैं पूछूंगा। अहो माधवी, जरा समझो बात को। ये पूरी तैयारी करके आए हैं, कमिटी मेंबर्स की परमिशन लेके आए ताकि मैं ना कह सकूं। लेकिन अय्यर और पोपटलाल ने भले ही साइन कर दिया हो, मैं ना कह सकता हूँ, मेरी परमिशन नहीं है। लेकिन पोपट अंकल ने हमें बोला है अगर आप ना बोलोगे तो उन्हें फोन करना है। हाँ टप्पू, पोपट अंकल को फोन लगा। अच्छा, पोपटलाल का नाम लेके डरा रहे हो मुझे? नहीं नहीं अंकल, हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो पोपट अंकल आपको प्यार से समझाएंगे। पहले पहले अगर मैं फिर भी नहीं माना तो शायद आपकी दुनिया हिला देंगे। आप परमिशन दे दीजिए ना, टप्पू सेना का सरप्राइज हमेशा अच्छा ही होता है। परमिशन देने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, लेकिन पहले पता तो चले सरप्राइज क्या है, फंक्शन क्या है। बीड़े अंकल, टप्पू सेना की गारंटी है आपको फंक्शन में मजा ही आएगा। मजा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे सरप्राइज पसंद ही नहीं है ना। सोनू समझाना बीड़े अंकल को, ये फंक्शन तेरे लिए है, पर बिना परमिशन के फंक्शन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या क्या मतलब बिना परमिशन के फंक्शन नहीं कर सकते ना। बाबा ये फंक्शन मेरे लिए है, आपकी सोनू के लिए, प्लीज परमिशन दे दीजिए। एक मिनट जरा मुझे सोचने दो। क्या करूं, बिना सरप्राइज जाने परमिशन दे दूं? नहीं, सोनू के लिए क्या सरप्राइज है ये तो जानना ही पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू, बीड अंकल ने परमिशन दे दिया। सॉरी मैंने कब परमिशन दी। अरे अभी तो सर हिलाकर हाँ बोला। अरे वो तो मैं सोच रहा था इसलिए मैंने ऐसे मुंडी हिलाई थी, परमिशन के लिए नहीं हिलाई मैंने मुंडी। बीड अंकल ये गलत बात है, सोनू माधवी आंटी सच सच कहना, बीड अंकल ने परमिशन देने के लिए सर हिलाकर हाँ बोला कि नहीं? हाँ मुझे लगा बाबा आपने हाँ ही कहा है। माधवी आंटी आपको भी लगा था ना? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा ऐसा किया ना तो दे दी परमिशन। हाँ मैंने बोला ना, मैं सोच रहा था इसलिए मैंने ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था, मैंने ऐसे बोला, ठीक है दे दी मैंने परमिशन। मैंने कब परमिशन दी? मैंने परमिशन नहीं दी अभी तक। लेकिन सरप्राइज क्या है ये मैं जानते रहूंगा। बिड़ंगल साइन ना प्यार से करना तो क्या फंक्शन का मजा आएगा। बिड़ंगल यहाँ पे अरे ये कुंडली पत्ता है, क्या चल रहा है ये? मेरा प्यार बरसा रहा था आप पे। मत बरसा गोलिया, मत बरसा, तुम्हारा प्यार वजनदार और भारी है, डूब जाऊंगा मैं। हाँ मत बरसा। टप्पू सेना आपकी आभारी है। हाँ आभारी। भीड़ अंकल आपका काम हम कर देते हैं, आपके बदले हम नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं 8:30 बजे क्लब हाउस में सरप्राइज फंक्शन है तो सब आ जाना। मेहरबानी हाँ मेहरबानी। चलो चलो फ्रेंड्स, अब हमें सरप्राइज फंक्शन की तैयारी भी तो करनी है। सोनू, टप्पू ये सरप्राइज दिल से दे रहा है और ये सरप्राइज टप्पू के दिल के बहुत ही करीब है। और टप्पू ही क्या, पूरी टप्पू सेना ये चाहती है कि टप्पू अपनी दिल की फीलिंग्स सबके सामने रखे। एंड आई प्रॉमिस सोनू, ये सरप्राइज तुझे बहुत 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 ही अच्छा लगेगा। और तुझे तो इस फंक्शन में आना ही आना है। आएंगे बेटा, बीड़े परिवार आ जाएगा फंक्शन में, ठीक है? अभी तुम बार बार सरप्राइज की शहनाई बजाना बंद कर दे और मुझे इतना बता दे कि
क्या पहनना है फंक्शन में, क्या बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भिड़े अंकल, फंक्शन में जो कपड़े पहने ना, मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ, ठीक है? चलो फ्रेंड्स चलते हैं। ना किसी से लेना देना, अपनी चप्पू से ना किसी से लेना देना। भगवान जाने क्या सरप्राइज होगा। अच्छा ही होगा वो। हाँ, मौका है। क्या पहनना है? कुछ नहीं, नहीं मतलब कपड़ों के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ऐसा लिखा है कि जो दिल चाहे वो कपड़े पहनो। अरे वाह मस्त है, मैं तो सूर्यकांत दिया हुआ ड्रेस ही पहनूंगी। टप्पू ने कहा है मेरे लिए स्पेशल सरप्राइज फंक्शन है, मतलब कुछ तो स्पेशल पहनना पड़ेगा। क्या पहनू? आओ आप भी रणवीर सिंह की तरह एकदम चमकदार कपड़े पहनना। नहीं रणवीर सिंह तो मैं बन जाऊंगा माधवी, लेकिन उसके पहले मैं रणवीर कपूर बनूंगा। क्यों? जग्गा जासूस। जग्गा जासूस बनके मैं पता लगाऊंगा कि टप्पू ने सरप्राइज में क्या फंक्शन रखा है। लेकिन रणबीर कपूर तो आज के जमाने का हीरो है ना। आप पंकज कपूर बनिए। पंकज कपूर आपके जमाने का हीरो है ना, करमचंद जासूस। वो ऐसा गाजर खाते खाते सोचता था ना, मैं आपके लिए गाजर लेके आती हूँ। माधवी मौका है, जब तक आपको सरप्राइज का पता नहीं चलता ना, आप ऐसे अस्वस्थ रहेंगे एकदम। मी काय म्हणते, अब शवासन कीजिए, घर का वातावरण थोड़ा शांत रहेगा। मन का वातावरण थोड़ा शांत रहेगा। नहीं नहीं माधवी, जब तक मुझे पता नहीं चलता है ना कि सरप्राइज फंक्शन क्या है, मेरा मन शांत नहीं होने वाला, मैं टेंशन में ही रहूंगा। मैंने कहा था ना तुमसे उमा, भाऊजी टेंशन में ही होंगे, आधा दिन भाऊजी टेंशन में ही रहते हैं। मामा मामी, अरे अरे हो बाबा तू जिंकला। अरे सोनू कैसी है तू? मस्त। हाय मामी। हाय सोनू। कर दिया ना तुम्हें लोग का करना से। बस ना बस। या 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 या। हाँ बैठो बैठो बैठो। काय मग आज कसला नवीन टेंशन? अरे नहीं नहीं, टेंशन मतलब टेंशन होता तो लेते हैं, लेकिन दिन भर ऐसे हंसते रहते हैं ये। अरे सोनू बाबा तू कितनी बड़ी हो गई है, एकदम क्यूट और लवली हो गई है। मिस वर्ल्ड दिख रही है मेरी सोनू, मिस वर्ल्ड। और थैंक यू मामी। आई में पानी दिख रहा है। तू तो टप्पू सेना के लिए बहुत ही स्पेशल है सोनू, तू तो टप्पू सेना की सबसे क्यूट एंड लवली मेंबर है, समझी? क्यूट एंड लवली सोनू। और विलास आज तो एकदम सरप्राइज विजिट दे दिया। क्यों बाबूजी, आपको सरप्राइज पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सरप्राइज पसंद है मुझे। हाँ? क्या लेंगे आप? 5 किलो मसाला पापड़ और 2 किलो कैरी का अचार। अरे आप अचार पापड़ लेने के लिए यहाँ तक आ गए? अरे मुझे फोन कर दिया होता, मैं घर पे आके देखे जाता, और वैसे भी आज मैं दोपहर को तुम लोग के घर के पास जाने ही वाला था। हाँ। वो हम पुणे जा रहे हैं तो आई के लिए अचार पापड़ ले जाने हैं, और आई को तो बहनी के हाथ के ही अचार पापड़ पसंद है। थैंक यू। पर पूना अचानक वहनी आज क्या है? फ्राइडे। तारीख और महीना? 14 फेब्रुअरी। ओह यस, मैं तो भूल ही गई थी बाबा, आज वैलेंटाइन डे। हाँ आज वैलेंटाइन डे है, यानी प्यार का दिन, रोमांटिक डे। ओह यस बाबा, मैं समझ गई, 100% टप्पू सेना ने आज वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम प्लान किया है। सॉरी सॉरी, अरे हाँ 14 पे वैलेंटाइन डे नहीं का लक्षण तो नहीं रहा एक्चुअली। ओह यस यस यस, पता चल गया, फाइनली पता चल गया बाबा। ए ए सोनू, मैं उड़े उड़े मरते, बस बस करी बस। हाँ पता चल गया ना बस। मतलब कई बार मुझे लगता है कि गोकुल धाम सरप्राइजेस का एक पिटारा है, यहाँ एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस होते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं इस पिटारे में से, हर व्यक्ति किसी न किसी को कोई ना कोई सरप्राइज देता ही रहता है, लेकिन इस वक्त टप्पू का सरप्राइज क्या है? और भिड़े ये सोच के बहुत टेंशन में है कि टप्पू क्या करने वाला है जिससे सोनू की शाम यादगार हो जाए। भिड़े टेंशन में है, उसके चेहरे पे 12 बजे हुए, लेकिन भिड़े जितना भी टेंशन में रहे उतना आपके लिए हंसी का इंतजाम हो गया। बहरहाल आज वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिवस, प्रेम का दिवस, और जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति ही प्रेम है, हमारा यही विश्वास है और हमारी उम्मीद भी है कि आपका प्यार हमारे प्रति यूं ही बना रहे और हम सबके जीवन में प्यार ऐसे ही बना रहे।
प्रेम जब होता है जीवन में खुशियां आती है, खुशियां होती है तो चेहरों पे हंसी होती है, और ये हंसी हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, और आपके चेहरों के हंसी के इंतजाम के लिए तो हम हैं। और यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन डे का सरप्राइज फंक्शन होने वाला है, ये बड़ा इंतजाम है आपका हंसी के लिए। यहाँ जवां दिलों की धड़कन धड़केगी तो भाई भिड़े के दिल में बिजली कड़केगी, और जब भिड़े के दिल में बिजली कड़केगी तो आपके घर में होगी हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.